अल्ट्रा भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें। आराधना करने वालों की शिरोमणि भक्ति हूँ मैं, पूजा करने वालों की शिरोमणि पूजा हूँ। मयूरेश्वर श्री गणेश का प्रहार दुष्ट सिंधु को मुक्ति प्रदान करता है। देवी अदिति के दुख का अंत करने के लिए गौरी पुत्र उनके समीप प्रकट होते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, राम देवी माता, शिव शिव शिव। शुक्राचार्य, तुम दैत्य जाति को भ्रमित करने के लिए कब तक दैत्य शत्रु शिव की भक्ति का पाठ पढ़ाते रहोगे? सावधान दैत्य माता, शिव निंदा करके आप अपने जीवन को दुर्भाग्य के महासागर में ढकेल रही हैं। अपने स्वार्थ और ईर्ष्या पर अंकुश लगाएं। मुझे स्वार्थी और ईर्ष्यालु कहकर तुम मेरा अपमान कर रहे हो शुक्राचार्य। सत्य को सुनकर आहत न हो दैत्य माता। अपने स्वार्थ और ईर्ष्यालु स्वभाव के कारण दैत्य जाति अपने अनेक महान योद्धा खो चुकी है। अब मैं आपको अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। शुक्राचार्य, तारकासुर, देवांतक, नारांतक, उद्धत, उद्धर, वीरजा, ये सारे महान दैत्य आपके प्रतिशोध की बलि पर चढ़ चुके हैं। यदि इनमें से एक भी जीवित होता तो दैत्य जाति का इतिहास आज कुछ और होता। तुम सिंधु को कैसे भूल गए शुक्राचार्य? क्या वो तुम्हारे प्रतिशोध की ज्वाला में भस्म हो गया है? उसे तो सूर्य ने अमृत प्रदान किया था, फिर उसका वध शिव पुत्र गणेश के द्वारा कैसे हो गया? हाँ बताइए शुक्राचार्य। अपने अंत की मूर्खता सिंधु ने स्वयं की थी। मैंने उसे रोकने का भरसक प्रयास किया था, किंतु अपने गुरु की आज्ञा को ठुकरा कर वो स्वयं यमराज का निवाला बन गया। तुम जैसे कायर, निर्बल और दैत्य शत्रु की भूमिका निभाने वाले की आज्ञा को ठुकरा कर सिंधु ने उचित ही किया था शुक्राचार्य। तुम तो महान दैत्यों के गुरु बनने के योग्य ही नहीं हो। ये प्रश्न मैं भी उठा सकता हूँ दैत्य माता, क्या आप स्वयं को दैत्य माता कहलवाने के योग्य हैं? क्या माता के हृदय जैसे ममता का अंश आपके हृदय में है? दैत्य माता, मैं आपको अपमानित नहीं करना चाहता, किंतु यह भी सच है कि अब दैत्य जाति को आप पर विश्वास नहीं रहा। महान और वीर दैत्य आपके स्वभाव को पहचान चुके हैं। ये जानते हैं कि आप अपने स्वार्थ के लिए दैत्य जाति को उकसाती हैं, उनके अंत की भूमिका रचती हैं। दैत्य का विश्वास पाने के लिए आपको अपना स्वभाव बदलना ही होगा। ना तो मेरा स्वभाव बदला है और ना ही बदलेगा शुक्राचार्य। एक दिन मेरे इसी स्वभाव की विजय होगी। विजय, संसार मेरे चरणों में सिर झुकाएगा और मुझसे दया की भीख मांगेगा। भीख नहीं दैत्य माता, अहंकार और अभिमान के इस महासागर से बाहर निकलिए। वीर दैत्यों की दीर्घायु होने के लिए शिव आराधना कीजिए। शुक्राचार्य, शिव आराधना की आवश्यकता आपको है, मुझे शिव आराधना की क्या आवश्यकता है? तारक पुत्रों, मेरी बात सुनो। तुम किसी दैत्य शत्रु शुक्राचार्य के कहने पर मुझे अपने त्रिपुर में उठाकर ले आए थे ना? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। सावधान दैत्य माता, तारक पुत्रों के त्रिपुरों से बाहर निकलने की भूल कदापि न कीजिएगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से स्पष्ट देख रहा हूँ कि तारक पुत्रों के त्रिपुरों से निकलते ही आपका जीवन संकटों से घिर जाएगा। नहीं, मैं वहां बंदिनी बनकर नहीं रहूंगी।
जिस स्थान पर दैत्य शत्रु शिव की आराधना होती हो वहां मेरा रहना असंभव है। कमलाक्ष विद्यन वाली आज्ञा दैत्य गुरु। तुम्हारे त्रिपुरों से बाहर निकलकर दैत्य मत अदिति का प्रतिशोध दैत्य जाति के लिए अशुभ सिद्ध होगा। तारकाक्ष यहां पर नहीं है, इसीलिए तुम दोनों बलपूर्वक इन्हें अपने त्रिपुरों में रहने के लिए विवश कर दो। जो आज्ञा दैत्य गुरु। ओ नमः शिवा। ओम नमः शिवाय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। दैत्य माता आप हमारे पुरों को छोड़कर नहीं जा सकती। जिस स्थान पर शिव आराधना होती हो मैं वहां रह भी नहीं सकती। आपको यहां रहना ही होगा दैत्य माता। दैत्य गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य का प्रमाण है। हम आपको जानबूझकर संकटों में नहीं धकेल सकते। आप हट ना करें दैत्य माता। अपनी और दैत्य जाति के कल्याण के लिए आप तारक पुत्रों के साथ शिव आराधना करें। नहीं तारक पुत्रों, दैत्य माता सरलता से किसी बात को नहीं मानती। तुम्हें अपने गुरु की आज्ञा मानकर इन्हें बलपूर्वक शिव आराधना के लिए विवश करना होगा। तुम मुझे विवश नहीं कर सकते। मुझे पकड़ने का प्रयास न करना। नहीं नहीं छोड़ो। तुम इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं कर लेती कि परम देव महागणेश की इच्छा से महोत्कट को हमारे साथ उतने ही दिन रुकना था। अदिति सत्य को स्वीकार कर सकती है स्वामी, परंतु महोत्कट की माता इस सत्य को स्वीकार नहीं कर सकती। परंतु देवी इन दोनों में अंतर ही क्या है? अंतर है स्वामी, परंतु उसे बताया नहीं जा सकता। माता और पुत्र का संबंध शब्दों से परे है, परंतु वो आएगा, अवश्य आएगा। भले ही महत्कट के रूप में न आकर गौरीपुत्र श्री गणेश के रूप में आए। ये तुम क्या कह रही हो देवी? मैं सत्य कह रही हूँ स्वामी। मेरी वेदना के स्वर मेरे आराध्य परम देव श्री महागणेश तक पहुंच चुके हैं। आज मंगल मूर्ति ने साक्षात प्रकट होकर मुझे वचन दिया है कि वे शीघ्र मेरे समीप आएंगे। देवी तुम धन्य हो, धन्य है तुम्हारी परम देव श्री महागणेश की भक्ति। देवी तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया है देवी। परंतु स्वामी गौरी पुत्र श्री गणेश की एक बात मेरी समझ में नहीं आई। कौन सी बात देवी? आज बात ही बात में न जाने क्यों उन्होंने दीदी का प्रसंग उठाया। दीदी अर्थात दीदी? हाँ स्वामी, मैं स्वयं श्री गणेश का कथन सुनकर स्तब्ध रह गई। वे स्वयं ही दीदी की कुशलता की बात करने लगे। दीदी के स्वभाव को उन्होंने भी अनुचित बताया। परंतु देवी अदिति दीदी को भूल जाने में ही हम सबकी भलाई है। उसके मन का प्रतिशोध क्रोध ईर्ष्या स्वार्थ किसी को भी शांति से नहीं रहने दे सकता। गौरी पुत्र श्री गणेश ही नहीं परंतु दैत्यों के गुरु परम शिव भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी दीदी के स्वभाव से खिन्न है देवी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नहीं नहीं नहीं, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं यहाँ कदापि नहीं रहूंगी। ये तो दैत्य माता दीदी का स्वर है। क्या कमलाक्ष के रजतपुर जाकर भी दैत्य माता ने उन सब की शिव आराधना में भाग
बाधा डालने का काम करती। शिव 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 शिव। यदि तुम तीनों ने शीघ्र ही मुझे पृथ्वी लोक पर नहीं पहुंचाया तो मेरा क्रोध तुम तीनों के साथ ही शिव को भी दंडित कर देगा। बंद करो शिव आराधना। ये दैत्य माता दीति किसी को भी शांति से रहने नहीं देंगी। बार बार समझाने पर भी उनके दुष्ट स्वभाव में कोई अंतर नहीं आया है। ऐसा लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। गौरी पुत्र श्री गणेश आप यहाँ मेरे आश्रम में। दैत्य गुरु लंबे समय से आपकी कुशलता का समाचार नहीं मिला, इसीलिए आज मैं स्वयं आपके समीप प्रकट हो गया। वैसे तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य कुछ और है दैत्य गुरु। वो उद्देश्य क्या है मंगल मूर्ति? मैं यहाँ आपके शिव आराधना का उद्देश्य जानने के लिए आया हूँ दैत्य गुरु। पार्वती नंदन को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि शिव आराधना का उद्देश्य क्या होता है। मैं जानता हूँ गौरी पुत्र कि आप ये प्रश्न मुझसे किसी और उद्देश्य से पूछ रहे हैं। बताएं मंगल मूर्ति आपके इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? मेरा तो एकमात्र उद्देश्य है दैत्य गुरु कि आपकी शिव आराधना सफल हो, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो और आपके समान शिव आराधना करने वाले तीनों तारक पुत्र शिव कृपा के पात्र बने रहे। मैं जानता हूँ दैत्य गुरु इस समय आप तारक पुत्रों की शिव आराधना में दैत्य माता दीदी के कारण पड़ रही बाधा को समाप्त करने के लिए जा रहे थे। मंगल मूर्ति आपसे इस संसार का कौन सा सत्य छुपा है? दैत्य माता दीदी के प्रतिशोध की वेदी पर न जाने कितने महान दैत्यों के जीवन की आहुति दी जा चुकी है, अब तो उन्हें किसी भी प्रकार रोकना ही होगा। क्या आपके रोकने से दैत्य माता दीदी रुक जाएंगी? उनके प्रतिशोध को तो यमराज भी नहीं रोक सकते मंगल मूर्ति, किंतु मैं एक प्रयास अवश्य करना चाहता हूँ। दैत्य माता दीदी के संबंध में अब तक आपने जो प्रयास किए हैं वे सब अनुचित थे। आप शिव कृपा से तारक पुत्रों के जीवन की रक्षा करना चाहते हैं, परंतु दैत्य माता दीदी के कारण वे शीघ्रता से शिव कुल की दिशा में बढ़ रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं मंगल मूर्ति? मेरे कथन पर संदेह करके आप उचित नहीं कर रहे हैं दैत्य गुरु। मेरी बात ध्यान से सुने। तारक पुत्रों के जीवन की सफलता में दैत्य माता दीदी सबसे बड़ी बाधा है। उन्हें जितना शीघ्र हो सके उनसे दूर कर दे, अन्यथा भगवान शिव के हाथों तारक पुत्रों के वध में विलंब नहीं होगा। मंगल मूर्ति मैं आपको सावधान करने के लिए आया था दैत्य गुरु। यदि दैत्य माता तारक पुत्रों के साथ रही तो उनके अंत का माध्यम मुझे ही बनना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। ओम महागणेशाय नमः। मंगल मूर्ति श्री गणेश का कथन सत्य का प्रमाण है, परंतु उनके यहाँ प्रकट होने का कारण समझ में नहीं आया। दैत्यों की सफलता और जीवन की चिंता मंगल मूर्ति कब से करने लगे? वे तो दैत्यों की सफलता के सबसे बड़े बाधक हैं। परंतु अब दैत्य माता दीदी का उपचार करना ही पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।